काफी अच्छा लग रहा है, बाकी ब्लैक कलर का है, बाकी कंफर्टेबल भी है काफी ज्यादा, तो इसको फाइनल करते हैं। अभी और देखते हैं और क्या लेना है हमें। भाई एक और खर्चा हो गया भाई, अभी हमने ये ले लिया है राइनोक्स का ड्रैशटैग बैग एक्सपीडिशन एडिशन वाला। भाई इसमें क्या ना, ये पूरा वाटर प्रूफ है। ये जो कलर है भाई, ये है ऑल न्यू 2023। ये चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे भाई। प्रॉपर ये जो नार्डो ग्रे का फिनिश दिया गया है, मतलब कौन सी बाइक ले, 10R ले या 900 ले या फिर कुछ और, लाइक समथिंग न्यू। आप समझ सकते हो अभी कौन सी बाइक कावासाकी की न्यूली लॉन्च हुई है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एंड फिलहाल अभी लेके निकल चुका है वैम को। अभी भाई जल्दी से चल के ना इस बाइक का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इस बाइक के साथ हमें करनी है राइड। राइड कहाँ की होने वाली है वो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं हूँगा भाई मोटो जीपी देखने के लिए दिल्ली। तो जितने लोग भी मोटो जीपी देखने आ रहे हो भाई, इफ़ यू वांट टू मीट मी देयर यू कैन मीट। आप इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज डीएम कर सकते हो भाई। आई विल बी देयर ऑन 22, 23 एंड 24। तो फिलहाल अभी जल्दी से पहुँचते श्याम ऑटो एसेसरीज, वहाँ पे जाके इसका ये पार्ट भी चेंज कराना है। एंड साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ इस राइड के लिए भाई एक न्यू राइडिंग जैकेट भी लेने का। तो पहले लोकेशन पे पहुँचते, अगर कुछ समझ में आता है तो लेते हैं, नहीं आता है तो फिर देखते क्या करना है। क्योंकि यार जो DSG वाला राइडिंग जैकेट है ना, वो पहन के ना लॉन्ग राइड्स में बहुत दिक्कत होता है। वो शॉर्ट राइड के लिए ठीक है, बट फॉर लॉन्ग राइड्स इट्स नॉट गुड। तो मैं सोच रहा हूँ भाई जल्दी से चल के एक अच्छा सा कम्फर्टेबल सा राइडिंग जैकेट ले लेते हैं। राइडिंग गियर होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो राइड होने वाली है वो होने वाली है नॉर्थ सिक्किम की। और इतना अमेजिंग राइड होने वाला है इस बार, क्योंकि अपन राइड करने वाले अपने वैम्प के ऊपर। भाई हमने बहुत टाइम से प्लान कर रखा था वैम्प पे एक लंबी राइड करने के लिए। हमने अपने पुराने वाले जो वैम्प थे, अपनी R15 V3, उसको लेकर लॉन्ग राइड्स पे गए थे। लेकिन इस बाइक को लेकर अभी तक हमने कहीं भी लॉन्ग राइड वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो इस बार मेरा प्रॉपर प्लान था भाई इसी बाइक पर राइड करने का, बट टाइम के इशू के कारण ना ये सब चीज़ हो नहीं पा रहा था भाई। ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। आपने लास्ट ब्लॉक देखा, मैं था गोवा में, उसके बाद वापस आया वहाँ से पुणे, देन बैक टू पटना। सिर्फ 24 घंटे के लिए मैं पटना में हूँ, उसके बाद ये सारा काम निपटाना है, उसके बाद फिर आज मेरा फ्लाइट है। मतलब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं दिल्ली जा चुका हूँ, एंड ये वीडियो आप देख रहे होंगे ऑन 22nd of September। तो मोस्ट प्रोबेबली अगले भाई 2 दिन मैं दिल्ली में ही रहने वाला हूँ, 23 एंड 24। 24th को वापस आना एंड फिर 25th को निकल जाना टुवर्ड्स सिक्किम। तो मतलब ये जो राइड है ना भाई हमारा, बहुत ही तगड़ा होने वाला है। 1 वीक का राइड होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। नाथुला पास, गुरु डोरमार्ग लेक, सब कुछ कवर कर डालेंगे भाई इस बार। तो इस बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। अभी 2 राइडर का तो कंफर्म है हमारे साथ, बाकी अगर कोई और ऐड होता तो आई विल अपडेट यू गाइस। तो फिलहाल पहुँच चुके हम लोग श्याम ऑटो एसेसरी, जल्दी से यहाँ पहुँच के चेकआउट करते हैं भाई कोई राइडिंग गियर जो मुझे पसंद आ जाए। अगर पसंद आती है तो भाई इसे अभी खरीद डालेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके श्याम ऑटो एसेसरीज, एंड मैंने सोचा भाई इस बैग का जो स्टिकर सारा ना ये देखो खराब हो चुका भाई लग कर, तो सारा कुछ चेंज करा देते हैं इसको पूरा, ये कंप्लीट जो ये पूरा चेंज करा देंगे। एंड उसके बाद अभी चलते ऊपर आपको दिखाते हैं भाई राइडिंग जैकेट्स जो अभी लेना है मुझे भाई, चेकआउट कराते हैं कौन कौन सा जैकेट पसंद आएगा कौन सा नहीं आएगा, देखते भाई चल के ऊपर। भाई यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। अभी मैं देखने आया था यहाँ पे राइडिंग जैकेट्स, और भाई अब देखो पैंट भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि राइडिंग जैकेट अपने पास है 1-2 एक्स्ट्रा, तो पैंट कोई अच्छा सा ले लेते हैं भाई। पैंट ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि राइडिंग जैकेट तो ऑलरेडी है हमारे पास। और ये चेक कर रहे हैं भाई, अभी राइनोक्स का है, इधर भी राइनोक्स का है, और भी वहाँ पे ऑप्शन है, देखते हैं भाई क्या लेना है, क्या फाइनल करेंगे वो आपको आगे बताते हैं, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो अभी फ़ोन को रखते हैं साइड में और डिसाइड करते हैं। तो अभी ना जाकर ये वाला फाइनल हुआ भाई, ये वाला चेकआउट कर सकते हो। ये रहा राइनोक्स का पैंट, और ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, कम्फर्टेबल भी है, बाकी थोड़ा ब्रेकिंग करना पड़ेगा क्योंकि मतलब एकदम न्यू है ना। थोड़ा सा राइडिंग गियर्स कोई भी आप लोग थोड़ा सा पहन के कुछ किलोमीटर्स राइड कर लो लॉन्ग राइड पे जाने से पहले, तभी जाकर इसकी ब्रेकिंग हो पाएगी, तब जाकर आपको अच्छे से कंफर्टेबल होगा। क्योंकि ये ना भाई इसको ना एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग इसके जितने भी पैडिंग्स है वो थोड़ा एडजस्ट कर जाएंगे। अभी देखो बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ये मैं अभी चेक कर ले रहा हूँ। तो मतलब ओवरऑल टेस्ट कर लेते हैं, बाकी इसके अंदर लाइनर वगैरह सब कुछ है, तो देखने में भी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ब्लैक कलर का है, बाकी कंफर्टेबल भी है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको फाइनल करते हैं। अभी और देखते हैं और क्या लेना है हमें। भाई एक और खर्चा हो गया भाई, अभी हमने ये ले लिया है राइनोक्स का ड्रैशटैग बैग एक्सपीडिशन एडिशन वाला। भाई इसमें क्या ना, ये पूरा वाटर प्रूफ है, मतलब इसको पानी में सीधा डाल देना का है ना, इसको आप बस लॉक कर दो, इसमें आपका जो भी है मैकबुक तक बच जाएगा, मतलब लैपटॉप वगैरह कुछ भी डाल दो। नीचे मान लो पानी है, डाला निकाल दिया, मतलब बस ये टॉप वाला जो है ना, ये टॉप को नहीं डालना है, बस इतना बचा लेना है, बाकी बचा तो ये पूरा लेगा। बाकी मेन हमने क्या है ना भाई, बारिश से बचाना, अगर बारिश हो सकता है उसके लिए मेन मेरा ये पर्पस है, क्योंकि मुझे ना लैपटॉप वगैरह कैरी करना है, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ भाई इस टाइप का कुछ बैग पैक रहे, क्योंकि मैं ना शोल्डर पे कोई भी बैग लेके कैरी नहीं करना चाह रहा हूँ इस बार। इस बार थोड़ा आराम से चलेंगे, थोड़ा अच्छे से राइड करेंगे, क्योंकि वैम पे राइड करें ना भाई, तो आप सबको पता है उसका राइडिंग पोस्चर थोड़ा डिफरेंट है। तो चलो ये वाला बैग पैक को करते हैं डन। भाई लोग अभी हम लोग गए थे भाई, बाइक अपने छोड़ दिया श्याम ऑटो पे, वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशन करा रहे हैं जो कि आपको भाई थोड़ी देर में दिखाऊंगा। भाई आ चुका है, लेकिन आज ना बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि भाई
ऐसा चीज लेने जा रहा है, मतलब लेना नहीं है अभी, देखना है पहले, सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि इतना मोटा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना चाहिए ना। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे सीधा भाई, कहाँ जा रहे हैं जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, एक्साइटमेंट जो है ना, कावासाकी जा रहे हैं, क्योंकि भाई पटना में किसी और कंपनी का ना शोरूम है नहीं। वैसे दिमाग में तो और भी बहुत सारी चीज आ रही है भाई के, बट पटना में है नहीं। और दिक्कत ये है ना कि फिर सर्विस का लफड़ा होगा, और मतलब वो सब चीज ना हम लोग नहीं चाहते भाई। दैट्स द ओनली रीजन कि हम लोग सोचते हैं भाई वैसे ब्रांड पे रहो जो हर जगह सर्विस मिल जाए, इजी टू मेंटेन हो। बट एक पॉइंट आ रहा है ये ना भाई, 900 तो मेरे पास है तो भाई सेम तो नहीं लगा, तो सोचो अब क्या आने वाला है, मतलब क्या सोच रहे हो भाई? पब्लिक तो सोच लेगा ऐसा आप बोल दिए हैं, मतलब पब्लिक सोच चुका होगा क्या सोचना है, लेकिन अभी भी ना मतलब जो चीजें है ना, जब तक आदमी सामने से देखकर कंफर्म नहीं करे तब तक मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, ये भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आज ना भाई मतलब धमाका है, तगड़ा होने वाला। तो जल्दी से जल्दी सीधा कावासाकी शोरूम, वही मिलते हैं आप लोगों से। क्या लग रहा है भाई तुमको कि एक दो सर्विस फ्री होना चाहिए भाई? केटीएम में मिलता है फ्री? केटीएम में फ्री मिलता है ये बताओ भाई, अभी तक फ्री वाला चला रहा है। लेकिन कावासाकी में कोई ऑप्शन नहीं है। वेलकम टू कावासाकी फैमिली। और भाई एक चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक नया कलर आया हुआ, ये जो कलर है भाई ये है ऑल न्यू 2023, ये चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे भाई। प्रॉपर ये जो नार्डो ग्रे का फिनिश दिया गया, यहाँ पे भी नार्डो ग्रे का फिनिश दिया, बाकी इसके पीछे का जो ग्राफिक्स है इसको ना थोड़े चेंज कर दिया गया। बट कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अभी भाई 900 लेना है या 10R लेना है, इस पे बस कन्फ्यूजन चल रहा है। 10R यहाँ पे है नहीं स्टॉक में, वो आपको दिखा नहीं सकते, बल्कि 900 ही लगा हुआ है, जो नया वाला है वो यहाँ पे फाइनली जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। बाकी अभी बताना नहीं है भाई कौन सी बाइक लेनी है, वो थोड़ा सरप्राइज रखेंगे, कोई सा भी हो सकता है। इधर 900 लगी है, 10R तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे 1000 है, बाकी देखते क्या होने वाला है। फाइनली भाई ने ले लिया है कोटेशन, अभी बुकिंग नहीं किया है क्योंकि भाई थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन चल रहा, मतलब कौन सी बाइक ले, 10R ले या 900 ले या फिर कुछ और लाइक समथिंग न्यू, आप समझ सकते हो अभी कौन सी बाइक कावासाकी की न्यूली लॉन्च हुई है। तो इन सारे में से कोई सा भी आ सकता है, जैसा भी अपडेट होगा आपको अपन बहुत जल्द देंगे। फिलहाल अभी भाई चलना है वापस श्याम ऑटो, लेकिन भाई ये जो हुआ है ना मतलब ये इतना सा भी काम, इसका पार्टी मैं लूंगा इसे। वैसे इसका बर्थडे भी था तो उसका भी पार्टी बाकी है, तो दो दो पार्टी हो गया, चलो एक ही दिन में निपटा लेते हैं सारा। लेकिन अभी उसके बाद आपको चलेंगे सीधा लेकर श्याम ऑटो एसेसरीज, क्योंकि वहां पे हमने ना जो ग्राफिक्स बनवाया है वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी दिन से मैंने सोच रखा था वो ऐसा कुछ ग्राफिक्स बनवाने के अपने बाइक के ऊपर। होपफुली जैसा मैंने फोटो दिया है वैसा ही बना हो, अगर नहीं बना होगा तो मैं सारा ग्राफिक्स उखाड़ दूंगा भाई, स्टॉक बाइक लेकर जाऊंगा जैसे ब्लैक एज इट इज था। तो अभी चलते हैं कुछ खाते हैं, भूख लगी है काफी ज्यादा, उसके बाद सीधा वही मिलता है आप लोगों से भाई। तो फाइनली हमने बाइक अपना पिक कर चुका है भाई, अभी अपन सीधा जा रहे हैं टुवर्ड्स वॉशिंग सेंटर, वहां पर जाके बाइक वॉश कराना है, क्योंकि बाइक को ना प्रॉपर फुल रेडी करके रखेंगे सो डैट अपन निकल पाए राइड पे उस टाइम कोई लफड़ा ना हो। और तो और हमने भाई बाइक में ग्राफिक्स भी करा दिया, ये एक बार चेकआउट करो भाई, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर सा। अभी टेम्प्रेरी हमने ये वाला करवा लिया क्योंकि भाई यहाँ पे ना ये वाला जो पैनल था वो मिल नहीं रहा था, तो हमने सोचा इसे रैप करा देते, थोड़ा तो अच्छा लग रहा, मतलब पहले से तो काफ़ी अच्छा लग रहा देख सकते हो। और अभी जो वेदर है ना लग रहा है बारिश कभी भी हो सकती है, एक तरफ तो कड़ी धूप है और इधर के देखो कितने सारे क्लाउड्स है। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं एंड भाई मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, क्योंकि अभी दो दो चीज़ होने वाला है, एक तो भाई मेरे को बाइक वॉश कराना है, दूसरा चीज़ ये है कि मुझे भाई कैब से सीधा जाना है एयरपोर्ट की तरफ, तो सारा कुछ भाई आज ही होना था। मतलब टाइम कैसे मैनेज हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी जल्दी सब कुछ टाइम पे हो जाए। और जैसे पहुँचेंगे वॉशिंग सेंटर ना, वहाँ पे आपको बाइक का पूरा प्रॉपर लुक दिखाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ हमने कराई है, थोड़े बहुत स्टिकरिंग्स एंड ऑल। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं अच्छा लगेगा तो वो भी बताना, अपन हटा देंगे इसे। लोग अभी अपन गए थे वॉशिंग सेंटर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था तो ये पॉसिबल नहीं था अभी जाके वॉश कराना, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है एंड अभी मैंने पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, अभी फ्लाइट लेना है हमें। बाकी आपको बाइक यहाँ पे साइड में रुक के ना एक बार ओवरऑल लुक चेकआउट करा देते हैं, सो दैट आपको ना ये चीज़ क्लियर हो पाए कि भाई बाइक अपनी कैसी दिख रही है। यहाँ पर लगाते हैं बाइक को और एक बार चेक करो इस बाइक का लुक, तो कुछ इस तरीके के दिख रही है भाई सामने से अपनी बाइक, हमने पूरा चेंज करा दिया, फ्रंट वाला जो पार्ट है ये पूरा कंप्लीट चेंज है। कमेंट करके बताना भाई कैसी लग रही है अपनी बाइक, मतलब ये वाला जो ग्राफिक्स हमने दिया है ये कैसा लग रहा है बाइक के ऊपर। तो जल्दी से चलते हैं घर की तरफ, ये पूरा हमने भाई R15M यहाँ पे बैजिंग कराया, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, दैट्स द रीज़न मैंने सोचा यही कराते, बेसिक भी है ज़्यादा नहीं है और जल्दी हो भी गया। तो अब जा रहे अपन वापस घर की तरफ, आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ, अंटिल देन बाय बाय गाइस, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।